أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا سيد الانبياء والمرسلين حبيب اله العالمين ابي الزهراء محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين اما بعد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم नाजिन मुहतरम्ल की हम दो सना उसकी तारीफ़ व तमजीद के साथ बेहतरीन हस्ती पर दूर दो सलाम भेज कर अपनी ज़बान को मअर करते हैं और आप अपने कानों को मअर करें अल्लाहआल महमद्जाराज हम फिर हम आपका इस्तेबाल करते हैं प्रोग्राम तजिक नफ्स में ये इंसान की जिंदगी का ऐसा अजीम सिलसिला है कि जो किसी भी मरहले पर जाके ख़त्म नहीं होता इंसान की सांसों के टूटने के साथ ही तजिक नफ्स का काम तमाम होता है जब तक ज़िंदा है इंसान इंसान को इस अजीम अंदरूनी जंग में कामयाबी हासिल करने की कोशिश करनी है जिसे जहाद नफ्स कहा जाता है तज नफ्स यानि नफ़्स को पाक रखना पाक करने की कोशिश करना गुनाहों की आलूदगी से गुनाहों की बीमारियों से मुख्तलफ़ बीमारियाँ जो इंसान को लग जाती हैं तो इंसान को बर्बाद करके छोड़ती हैं हमने शिरक पर बात की कुफ़्र पर, निफाक पर उसके बाद झूठ पर बात की फिर उसके बाद जुल्म हमारा मौजू सखन रहा गुज्त दो प्रोग्रामों से और आज का मौजू है ज़ुल्म दूसरों के ऊपर जो हमसे होता रहता है कभी हमें उसकी तवज्जो और उसकी खराबी का इल्म होता है और कभी बिल्कुल ही हम लापरवाह होकर ज़ुल्म पे ज़ुल्म किए चले जाते हैं जुल्म की मकदार क्या है ये अहम नहीं है बल्कि जुल्म चाहे कितना ही कम क्यों ना हो वो ज़रूर असर दिखाता है जुल्म की मिसाल आग से है आग चाहे एक मैचिस की तीली जैसी हो या एक जंगल को आप भड़कते हुए देखें आग में आग बहरहाल आग होती है इसी की उसी एक ज़र्रे से आग के पूरी दुनिया को जलाया जा सकता है जुल्म भी आग की तरह है या इसकी अगर दूसरी मिसाल आप आसानी के लिए सुनना चाहें तो जहर है जहर अगर एक चुटकी भी कोई खाए तो इंसान की जान ले लेता है चाहे आप एक मुट्ठी खाएँ तब भी उसका जो असर है वो नमोदार होता है जहर के लिए कोई कमी और ज़्यादी की इजाफ़े और कम होने की बात न करे आग कम हो या ज़्यादा हो इसकी बात न करे बल्कि देखे कि कितना नुकसान पहुँचाने वाला वो आ, मरहला है जो आग के साथ है या फिर जहर के साथ है अज़ीज़ो हमने गुजशत प्रोग्राम में अर्ज़ किया कि ज़ुल्म मौला कायनत अलीबनबी तलब अल्लाम के कला में मुबारक में तीन किस्मों का होता है एक वो ज़ुल्म के जो कभी नहीं बख्शा जाएगा जिसे शर्क कहते हैं एक वो ज़ुल्म के जो तोबा करने पर ज़रूर बख्शा जाएगा वो अपने आप पर म है जो गुनाहों के ज़रिए से हम करते हैं जिसमें कोई तीसरा इन्वॉल्व नहीं है हम हैं और हमारा खुदा है और हम गुनाह करते हैं तो ये भी जुल्म करते हैं अपने नफ्स पर और नफ़्स पर जो जुल्म होता है इंसान की तौबा के साथ साथ वो बख्शा भी जाता है तीसरी किस्म जो है जिसकी हम बात करते आ रहे हैं सबसे ज़्यादा मुश्किल और मुसीबत इसी तीसरे ऐसी पैदा होती है और वो दूसरों के हकूक़ की पामाली दूसरों पर सितम दूसरों को अजियत और नुकसान और जर पहुंचाना कम या ज्यादा अपनों पर सितम करें आप या गैरों पर पर करें या मुनाफिक पर मुसलमान पर करें या काफिर पर बच्चे पर करें या बूढ़े पर कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता औरत पर करें या मर्द पर जुल्म जुल्म होता है ये मेरे मौला कायनत अली इबनबी तलब आसरतम के उस कला में नूरानी के मुताबिक ऐसा जुल्म है कि जिसकी सज़ा दुनिया में भी मिलती है और आखिरत में यकीनन उसे अजाब से दो चार किया जाता है हदीस में आता है कि जुल्म अगर एक लम्हा भी कोई किसी पर करता है तो साठ साल के गुनाह पर भारी हो जाता है यानी अगर साठ साल इंसान अपने जाति गुनाह करता रहे उन साठ साल गुनाहों के मुकाबले में देखा जाए कि एक लम्हा जो उसने किसी के ऊपर जुल्म किया तो वो एक लम्हा उस साठ साल के गुनाह पर भारी आता है और शदीद और सख्त होता है दूसरी हदीस में उसी मफहूम को उजागर किया गया है कि अगर किसी पर तुमने ज़र्रा बराबर भी जुल्म किया तो फिर उसके मुकाफात के लिए तुम अपने आप को तैयार कर लो क्योंकि अल्लाह की यह सुन्नत है कि जालिम को दुनिया में भी ज़रूर सज़ा देता है और उसके जुल्म का मज़ा उसे चखाता है मुकाफात ज़रूर होते हैं चुनाचे बहुत मशहूर और मरूफ शेर है फ़ारसी में कि चुबत कर दी मबाश आई मन जे आफात के वाजिब शबीयत रामफात शायर कहता है कि अगर तुमने किसी के साथ बदी की है ना तो तुम आफात से अपने आप को महफूज न समझो कि तुम पर वाजिब हो गया है कि तुम्हारे किए कि तुम्हें सजा दी जाए यह मुमकिन नहीं है कि अल्लाह आसमान तला दुनिया में जुल्म करने वाले को उसके मरने तक ऐसे ही राहत और आराम की जिंदगी दे लंबी मोहलत दे सकता है वो उसके जुल्म की सजा को सख्त से सख्त करने और उसके अजाब को मजीद बढ़ाने के लिए हो सकता है कि जालिम को कुछ मोहलत अल्लाह सुबहन दे, लेकिन ज़ालिम से इंतकाम मरने के बाद ही नहीं बल्कि ख़ुद उसकी अपनी ज़िंदगी में ज़रूर वो लेता है वो मनत यकीनन इंतकाम लेता है इमाम मोहम्मद बालाम ने फरमाया कि अगर किसी ने जुल्म किया है और जुल्म करके ये समझा है कि उस मजलूम की तरफ से कोई इंतकाम नहीं लेने वाला है तो वो अहमक है हिमाकत की वजह से और अपनी इस नादानी की वजह से यह समझता है कि मजलूम कुछ नहीं कर पाता है तो फिर उसका कोई बिगाड़ने वाला नहीं बल्कि खुद अल्लाह उसकी तरफ से उसका इंतकाम लेता है अदीस में यह भी मिलता है कि जब किसी इंसान पर कोई दीगर कोई दूसरा इंसान जुल्म करे तो हकीकत में वो अल्लाह को जंग के लिए बुला रहा है और ललका रहा है और जंग में वो यकीनन शिकस्त खाएगा जो खुदा के साथ लड़ी जा रही होगी आगे मैं एक और हदीस का सहारा लूं इमाम जाफ़र सदरतम से किसी ने पूछा कि यबन रसूल अल्लाह साल ने ये कुरान मजीद में फरमाया कि इन रब रबिर इससे क्या मुराद है इसकी तफसीर क्या है कि तुम्हारा रब ज़रूर तुम्हारा बदला लेगा तुमसे बदला लेगा इससे क्या मुराद है फरमाया कि इंसान के मरने के बाद क़यामत के दिन क़यामत के हिसाब किताब के बाद एक पुल से इंसान को गुजरना है और गिज वो इंसान उस पुल से नहीं गुज़र सकता कि जो किसी दूसरे इंसान पर जुल्म करके मरा है मुमकिन नहीं है कि जालिम उस पुल से आसानी के साथ गुज़र जाए जहन्नम तो उसका ठिकाना है ही है लेकिन अल्लाह के गज़ब का भी वही मरकज़ हो जाता है जब कोई इंसान जुल्म करता है और सयाम्दीन अम्नकलबिन कलिबून के अनकरीब करीब जो लोग जुल्म करते हैं जान जाएंगे कि उन्हें कहाँ पर किस हालत में डाला जाएगा यानी उनका अजाब में मुबतला होना हतमी है और यकीनी है इसमें किसी को ज़रा बराबर शक नहीं करना चाहिए और अजीब व ग़रीब बात यह कि इमाम जाफ़र सदक़त्सलाम ने फ़रमाया कि जब कोई दूसरे पर जुल्म करता है तो अल्लाह ज़रूर किसी और इंसान को उसके ऊपर मुसल्लत करता है जो उसके ऊपर जुल्म करे यानी जालिम को अल्लाह जालिम के ज़रिए से रसवा करता है और खूबसूरत दुआ जो इमाम जैनदीन सलाम की कि जो अम, उस वक्त के आलम इस्लाम में कबूल भी हुई मुस्तजाब हुई आपने दुआ फरमाई थी करबला के उस अजीम इनकलाब के बाद उस जुल्म की अजीम दास्तान के बाद आपने दुआ फरमाई थी अल्लाहुम्मा दालिम दालिम परदिगार तो जालिम को जालिम से मसरूफ़ कर दे लड़ा दे जालिम को जालिम के साथ एंगेज कर दे एक अप्रेसर को दूसरे अप्रेसर के साथ चुनाचे बहुत कम वक्त गुजरा था कि बनु बनोमैया बनु अब्बासिया के दरमियान रसाकशी शुरू हुई और बनु बनोमैया का ख़ा हुआ बनु अब्बासिया आ गए वो भी जालिम ये भी जालिम जालिम आपस में लड़ने लगे और फिर उसके बाद बनु अब्बासिया का हाल ये है कि बाप ने बेटे को क़त्ल किया भाई ने भाई को क़त्ल किया जुल्म म एक दूसरे के दस्तब ग हुए तो ये हदीस भी है कि किम अगर जुल्म करता है तो उस पर अल्लाह सुबह किसी और ालम को मुसलत करता है यह हदीस भी अजीब है कि दूसरे को जो मुसलत करता है ालम पर वो म सिर्फ़ उस पर नहीं करता उसकी औलाद पर करता है शायद उसकी औलाद की औलाद पर भी ता है यानि अल्लाह सुबहान तालम की औलाद को भी चैन से नहीं रहने देता उसकी औलाद की औलाद तक भी उसके जुल्म के असरात जाते हैं और उसकी औलाद भी उसके जुल्म का नुकसान उठाती है किसी ने पूछा कि यबन रसोल्ला कुरान मजीद में क्या इस तरह का कोई मतलब और मकसद वाजे हुआ है जी हाँ मेरे मौला मौला इमाम जाफर सादिक अल्लाब ने सूर निसा की आयत नंबर नाइन और टेन को पढ़ा जो मैं आपकी खिदमत में पढ़ के अपने ऊपर पहले असर लेने की कोशिश करूँगा फिर यकीन आप सुनते हैं तो यकीन आप पर भी उसका असर होगा कि अल्लाह ने फरमाया कि वली तरकुमिन खलफ हिम दुर्रीता दिफन खाफ अलहिम फलीकुल कौलन सदीदा कि वो लोग खौफ खाएं डरें अगर अपने पीछे औलाद छोड़कर जा रहे हैं औलाद को लेकर फिक्रमंद हों खौफजदा हों कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके किए का असर उनकी औलाद पर जाए फलियत और अल्लाह से डरें वाल से दीदा और जब भी कोई बात कहें तो सॉलिड बात करें सही बात करें सच्ची बात करें सीधी बात करें उसके बाद अल्लाह ने फरमाया कि इदीना याकलूना अम वालतामा गुलमन इन नमा या क्लूना फ़ी बुतून हिम नारा व सैसलोना कि जो लोग यतीमों का माल खाते हैं जुलमन नाहक जो उनका हक नहीं था जबरदस्ती यतीमों का माल खाते इन नमा यहम नारा के हकीकत में यह है कि वो माल नहीं खा रहे हैं बल्कि आग अपने पेट में उतार रहे हैं वो अपने पेट को आग से भर रहे हैं वसैन सीरा और करीब वो आग ही में जाएंगे क्योंकि आग से पेट भरा है तो आग ही में वो जाएंगे सवाल यहाँ पर शायद आपके जहन में आ गया होगा और अगर नहीं आया है तो हमारे इस वक्त के प्रोग्राम के अंदर वो सवाल हम ख़ुद पेश किए देते हैं और जैसे हम सवाल करेंगे उस वक्त आप गौर से सुन रहे हों तो फ़ौर कहेंगे कि हाँ ये वाक सवाल इस वक्त पैदा होता है सवाल यह है कि अगर एक इंसान जुल्म करता है तो कैसे उसकी औलाद और उसकी औलाद की औलाद को भी नुकसान पहुंच सकता है अल्लाह क्यों मुसलत करेगा किसी और जालिम को उसकी औलाद पर और उसकी औलाद की औलाद पर क्या ये खुद इंसाफ के खिलाफ नहीं है कि एक आदमी एक बाप ने जुल्म किया और उसकी सज़ा बेटे को भी मिल रही है उसके बच्चों को भी उसके बच्चों को भी मिल रही है ये खुद जुल्म नहीं है क्या यह खुद अदल इलाही के खिलाफ नहीं है उसका इंसाफ क्या है कि कोई जुल्म करने वाला जालिम है तो फिर उसका जुल्म की वजह से उसकी औलाद पर भी और उसकी औलाद की औलाद पर भी कोई अजाब हो कोई दूसरा जालिम मुसलत हो सवाल बनता है जवाब इसका आसान है इसमें जवाब यह है कि औलाद पर भी उन्हीं उन्हींद पर अजाब होगा कि जो औलाद अपने बाप के जुल्म में शरीक हो या राजी हो अगर एक बाप ने नाजायज तरीके से कमाना शुरू किया है किसी को लूटना चाह है हेरा फेरी करके किसी को धोखा दे के फरेब दे के माल इकट्ठा किया है औलाद को मालूम है और बाप का साथ दे रही है यकीनन उस औलाद को भी उस जुल्म के लपेट में लेना चाहिए कि जो बाप ने जुल्म किया तो बच्चे ने भी उनका साथ दिया यह कम अज कम अगर बच्चों ने औलाद ने अगर उस जुल्म में कोई प्रैक्टिकल अमली मदद नहीं भी की है तो वो राज़ी रहे घर में माल आता रहा बीवी खुश थी कहाँ से आया उसको कोई परवाह नहीं है उसे सिर्फ खर्च करना है औलाद को मज़े लेने हैं दुनिया की औलाद को आसाइश के सामान चाहिए औलाद ने कभी नहीं सोचा कि मेरे बाप ने हलाल कमाई की है या हराम कमाई की है ये जो लूट के ला रहा है ये धोखा दे के माल लोगों को ला रहा है ये जो हराम तरीके से कमा के ला रहा है अगर बीवी बच्चे राजी हैं तो क्या उनको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए जुल्म में ये भी शरीक हैं ये इसलिए शरीक हैं कि राजी रहे हैं अगर बीवी जालिम के जुल्म को रोकना चाहे तो कम अज़ कम उसका असर ज़ाहिर होता और वो ये कि वो जो िम है शायद इतनी जरत और इतनी आसानी के साथ उस जुल्म को अंजाम ना देता औलाद अगर साथ ना देती तो यकीनन उसके जुल्म में कमी आती चूंकि राज़ी रहे इसलिए या फिर राजी ना रहे बल्कि वो माल जो जालिम ने कमाया था जुल्म से उसको लेकर इस्तेमाल करने लगे आपको इस्तेमाल का हक नहीं है आप राजी भी नहीं थे ठीक है आपने उनका साथ भी नहीं दिया जालिम के लेकिन वो माल जो बाप ने हराम तरीके से कमाया उसको तो दोनों हाथों से बटोरा गया उसको तो अपनी अपने इस्तेमाल में लाया गया तो चूंकि औलाद इस्तेमाल में लेकर आती है इसलिए उनको भी उस जुल्म के लपेट में आना है और सजा उनको भी मिलनी है अगर कोई औलाद बाप के जुल्म का और नाजायज माल तसरुफ करने से भी इनकार कर दे और कहे कि यह माल हराम का है हम उसमें हाथ नहीं डालेंगे और हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर उनको अल्लाह से तला उसके अजाब की वजह से कभी भी मज़्जब नहीं करेगा और अजाब में दो चार नहीं करेगा क्योंकि उसके जुल्म के उसका खुद उसकी अदालत और उसके इंसाफ का तकाजा है कि अगर औलाद ने इनकार किया है और उस हराम माल में खुद भी तसरुफ नहीं किया है तो उस औलाद पर भी यकीन कोई जुल्म नहीं होगा बल्कि उस पर अल्लाह की रहमत होगी उस उसलाद पर अल्लाह का करम होगा उस औलाद पर अल्लाह की जानिब से बरकतें नाजिल होंगी कि जो औलाद अपने उस नाजायज़ माल में जो बाप ने कमा के छोड़ा है तसरफ न किया बल्कि वापस उनके हकदारों तक उनको लौटाने की कोशिश की तो इसकी तफसीर यही है चुनाचे जब ये बात हमें समझ में आ गई है तो फिर सवाल का जवाब भी हमें मिल गया है और यह सब जानते हैं कि यौम يوم الظالم अशदिन المظلوم जब िम पर अल्लाह की जानब से मजलूम को भी मौका मिलता है ना तो ये मजलूम का दिन यकीन िम के उस दिन से ज़्यादा सख्त होगा उसके लिए जब उसने किसी मज़लूम पर ज़ुल्म किया हालत यह है कि ज़ुल्म करने के लिए ताकत की ज़रूरत होती है तवज्जो से सुनिए ज़ुल्म करने के लिए ओहदे की दौलत की ताक़त की इख्तियार की ज़रूरत पड़ती है जो बे मजबूर लाचार मिस्कीन, बेमाल है वो किसी पर ज़ुल्म कैसे करेगा अब हालत ये हम देख रहे हैं ज़माने में जुल्म ज़ोर से ज़माना किस तरह से भर गया है कि जिस किसी को भी जितना भी पावर मिलता है वो उसी पावर के अंदर दूसरे पे जुल्म करता दिखाई देता है किसी के पास जुल्म करने को सिर्फ़ औलाद है उसी पर जुल्म करता है किसी के पास सिर्फ बीवी है उस पर जुल्म करता है किसी के पास रिश्तेदारी है और कोई नहीं है उस पर जुल्म करता है किसी ने थोड़ा पैसे कमा लिया उस पैसे के बलबूते पे दूसरों को नीचा दिखाता है हकीर करता है तोहहीन करता है दूसरे की तजलील में उसे मजा आता है किसी को कुर्सी मिल गई अपने नीचे वाले काम करने वाले जितने एम्प्लॉयज उनको दबाता है उनको जो है ना हकीर करता है जलील करता है और उन पर म करता है इसे और थोड़ा सा बड़ा अहदा मिल गया नीचे वालों को वो आंखें दिखाता है और अपने उस का नाजायज फायदा उठाते हुए दूसरों को हकीर जलील मिसकीन और मोहताज बना के रखता है बाज लोगों को मजा आता है कि लोग उनके सामने हकीर हों ये खुद जालिमाना सोच है बाज लोगों को सिर्फ इसी बात से खुशी होती है कि कोई उनके सामने हमेशा हाथ जोड़ के खड़ा रहे ये जुल्म करने वाले हैं और उस छोटी सी मामूली सी दुनिया की मिली हुई ताकत का नाजायज फायदा उठाने वाले हैं जुल्म जगह जगह पर हम देख रहे हैं हर कोई दूसरे पे जुल्म करने पे तुला हुआ है जिसको जितना मौका मिलता है उसी मौके में वो दूसरे को रगड़ देता है मसलने की कोशिश करता है ह्यूमिलिएट कर देता है हकीर कर देता है ये सारे जुल्म के ऐसे ऐसे मजाहिर हैं कि इन मजाहिर को हमें समझना चाहिए और जुल्म से बचना चाहिए क्योंकि जुल्म करने वाला खुद भी दुनिया में अल्लाह के अजाब में मुबतला होगा और औलाद को भी उस गुनाह का ग़लत और मनफी असर पहुंचाएगा। वो विल में तज़ल मासूम असलम का ये फरमान हकीक़त से बिल्कुल ही हमकिनार है कि फरमाया जुल्म करने से नेमतें जयल हो जाती हैं छिन जाती हैं नेमतें। मैंने गुजशत प्रोग्राम में बताया किस तरह नेमतें छिनती हैं इंसान को बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है इमाम जाफर सलाम ने फरमाया कि जुल्म करने वाले का जितना गुना है जितनी सज़ा है उतनी ही उसका भी कि जो जुल्म करने वाले का साथ देता है और उस इंसान को भी उतनी ही सज़ा जुल्म की मिलेगी कि जो िम के अमल से उसके फैल से राज़ी और खुशनूद होता है यहाँ तक के अगर कोई ालम की हिमायत में सिर्फ जबान से दो जुमले भी कहेगा उसको भी ज़ालिमों के ज़ुमरे में गिना जाएगा यहाँ तक कि पैगम्बर अक्रम सल वसल्लम ने फरमा फरमाया कि कयामत के दिन मुनादी निदा देगा कि जालिमों को और जालिमों के साथियों को और जालिम, जालिमों के ज़ुमरे में रहने वालों को इकट्ठा किया जाए ताकि एक लोहे के संदूक में एक लोहे के बड़े ताबूत में उन्हें डाल दिया जाए और उस ताबूत को बंद करके आतिश जहन्नम में फेंक दिया जाए फरमाया कि उस जालिमों के ताबूत के अंदर जो लोहे का बना होगा वो लोग भी डाल दिए जाएंगे कि जिन्होंने एक मामूली कलम भी बना करके किसी जालिम को दिया हो मामूली या फिर जिन्होंने जालिम की इतनी सी मदद की हो कि उनके उनका, उनके कलम को उन्होंने दवात में सिर्फ डुबो के इंक में डुबो के दिया हो ये सारे के सारे जालिमों के ज़ुमरे में डाल दिए जाएंगे इसीलिए मकतब अहल बैत में शुरू से एहतियात है कि हम किसी जालिम की जाने अनजाने में सपोर्ट ना कर सकें हमें ताकीद है इस बात की कि तुम मेक श्योर करो कि किसी को तुम तारीफ के काबिल समझ रहे हो तो कम से कम वो जालिम ना हो अगर किसी पर उसने जुल्म किया है कोई अपनी हुकूमत में किसी पर नाजायज तरीके से सितम किया है किसी पर चढ़ाई की है किसी का कत्ल किया है किसी की इज्जत और नामूस पर हाथ अपना दराज किया है तो फिर उसको तुम किसी भी एतबार से काबिल तारीफ ना समझो कि अगर तारीफ कर दो तो बिला वजह तुम्हें उसी के साथ मशहूर होना पड़ेगा उसी लोहे के ताबूत में हमें भी डाल दिया जाएगा अगर हम किसी ज़ालिम, चाहे वो तारीख का ज़ालिम हो चाहे मौजूदा ज़ालिम हो लोग बिला वजह किसी के जुल्म की मुसीबत अपने सर लेते हैं मामूली सी दुनियावी छोटी सी मनफ के लिए हैरान हूं मैं हैरान बाज लोग सियासी पार्टी का हिस्सा बन जाते हैं बिला वजह अपने पार्टी के रहनुमाओं की तारीफ करते हैं जबकि उन्हें मालूम है कि वो कितने बड़े जालिम रहे जुल्म करते रहे करते हैं मौका मिले तो करेंगे जालिमों की हिमायत को अल्लाह साल ने ना तनहा शिद्दत से मना किया है बल्कि फरमाया कि अगर तुम्हारा दिल में झुकाव, तुम्हारे दिल में झुकाव भी हो ना जालिमों की तरफ तुमको भी जहाना में डाल दिया जाएगा हमें कितनी एहतियात करनी है ना खुद जुल्म करें ना किसी जालिम की हमसे कोई मदद हो अब अगर हमसे कोई पूछे कि जो रसूल पर जुल्म करें अजियत पहुंचाएं जो आले रसूल पर जुल्म करें अजियत पहुंचाएं और आपको मालूम हो जाए तो क्या इसके बावजूद हमें मानना चाहिए नहीं हमें सीधे सीधे मजलूमों का साथ देना है ज़ालिमों की के खिलाफ होना है आखिरी बात सुनाकर मैं इंशाल्लाह आपके कॉल्स की तरफ आएंगे अगला जो प्रोग्राम होगा हमारा कि अगर इंसान ने कभी किसी पर जुल्म कर दिया है अब वो पशेमान है वो चाहता है कि उसके लिए कोई एग्ज़िट साफ दिखाई दे मरने से पहले और वो चाहे कि उस अजाब से उसे दुनिया ही में छुटकारा मिल जाए तो उसे क्या करना चाहिए दूसरे लफ्ज़ों में जुल्म का इलाज क्या है अगर ये बीमारी है तो इस बीमारी से इंसान कैसे सेहत याब हो सकता है इस पर बात हम अगले प्रोग्राम में करेंगे आज की ये जो बात है वो आखिरी बात है और वो ये है कि कभी कभी बिला वजह हम दूसरे की दुनिया की खातिर अपने दीन को खतरे में डाल देते हैं सिर्फ छोटी सी मामूली सी बात है दोस्ती निभाने की खातिर झूठ बोल देते दोस्ती निभाते हुए किसी और पर ज्यादा कर देते मामूली सी बात है हम क्या करते हैं उस मामूली सी बात में भी अपने दीन को ख़तरे में डाल देते बदबخت है वो इंसान ये आखिर में मौला अली अलीलाम का नूरानी जुमला सुनाकर आपके कॉज लूँगा कि फरमाया बदबक़्त है वह इंसान कि जो अपनी दुनिया की खातिर दीन को ख़राब कर ले और उससे भी ज़्यादा बदबक़्त है वो इंसान कि जो दूसरों की दुनिया की खातिर अपने दीन को ख़राब कर अल्लाह हमें देफ़ीक़ दे कि इस दुनिया में मुख्तसर ज़िंदगी जो तूने दी है इस जिंदगी को हम गुनाहों की आलूदगी से बचा कर चला सकें इस ज़िंदगी के शबो रोज़ में तो तोफ़ी दे कि हम किसी पर जुल्म न करें अगर इख्तियार दे तो इंसाफ के साथ उस इख्तियार इस्तेमाल कर सकते हो तो दे वरना हमें कोई अहदा भी ना दे कोई इख्तियार भी ना दे कोई ऐसी दौलत न दे कि जिसके जिस दौलत के बलबूते पर हम किसी को हकीर कर सकें किसी को नीचे दिखा सकें एक शख्स जो गरीब था मस्किन था लिबास भी उसका फरसुदा था शम रिसालत के परवानों के दरमियान परवानावार आके बैठ जाता है उस बज में जो सहाबा कर की बज में बज में जहाँ वो आके बैठ जाता है वे तकलुफ़ होकर वहीं उसके जो बगल में एक सहाबी होता है वो अपने दामन को समेट लेता है निगाह नबोवत उसकी इस अदा को देख करके फौरन ही जबान नबूत से ये जुमला निकलता है क्या शख्स तूने अपने दामन को क्यों समेट लिया उसके आते ही तुम्हारे बगल में किस बात ने तुम्हें मजबूर किया कि तुम अपने दामन को समेट लो क्या तुम्हें यह खौफ था कि उसकी गरीबी तुम्हारे दामन गिर हो जाएगी या फिर तुम्हारी अमीरी मुंतकिल हो जाएगी ट्रांसफर हो जाएगी उसकी तरफ किस बात ने तुम्हें ऐसा करने को मजबूर किया वो भी शबे सालत का परवाना था या रसूल अल्लाह मेरी शायद ये अदा मेरे अमीर होने की वजह से मालदार होने की वजह से उस माल की वजह से मुझसे सरजद हो गया ये गुनाह मैंने इस आने वाले अपने दीनी भाई के साथ ऐसा बर्ताव किया मैं पशेमान हूँ या रसूल अल्लाह और मैं इस पर जो जुल्म हुआ है मुझसे इस जुल्म की बख्शिश के बदले में अपनी आधी दौलत को उसके हवाले करने के लिए तैयार हूं देखिए नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु मुकरम सल्हम की उस बज में ऐसे भी तरबियत याफ्ता थे कि फौरन रियलाइज कर लेते थे और अपने होने वाले उस गुनाह की फौरन ही माफी के तलबगार हो जाते थे और फिर माल दुनिया की परवाह नहीं करते थे आधी दौलत में इस हरकत के बख्शवाने के लिए उसके हवाले कर सकता हूँ और करने के लिए तैयार हूं नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ने उसकी सशेमानी पर अपनी खुशनुदी का इजहार फरमाया और उस आने वाले मस्किन से कहा क्या शेख अच्छा मौका है अपनी ग़ुरबत को दूर करने का उसे माफ़ कर दो और उसके बदले में दौलत ले लो कहते हैं या अल्लाह अगर कबूल करना और ना करना मेरे अख्तियार की बात है तो मैं ये दौलत हरगिज़ कबूल नहीं करूँगा क्यों आखिर क्या हुआ तुम्हारी गुर्बत दूर हो जाएगी तुम्हारी फ़कीरी ख़त्म हो जाएगी तुम्हारी ये हालत बेहतर हो जाएगी कया अल्लाह मैं इसलिए दौलत उसकी नहीं लेना चाहता कि कहीं किसी दिन मैं भी वही हरकत ना कर डालूँ जो हरकत इससे सरजद हुई है क्योंकि माल चीज ही ऐसी है जी हाँ नाजरीन इंसान बड़ा मोहतात रहे तो अच्छा है वरना जुल्म पे जुल्म उससे होता रहता है उसकी कभी खबर होती है कभी खबर भी नहीं होती हालांकि कोई उसने ना उस पर तलवार चलाई थी ना उस पर कोई जुल्म किया था ना अपनी ज़बान से कोई बात कही थी सिर्फ उस एक मामूली सी हरकत से कि जिससे तहकीर जाहिर हुई किसी और को हकीर तसव्वुर जो उसने अंदर में किया अंदर उसके किया था उसका इजहार हो रहा था और कुछ नहीं किया था हमें बहुत एहतियात करनी है कदम कदम को हम एहतियात के साथ उठाएं कोशिश करें कि हमसे कभी भी किसी पे जुल्म न हो किसी भी मखलूक़ खुदा पर जुल्म न हो किसी भी बंदे खुदा पर जुल्म न हो और अगर हम जुल्म न करेंगे न जालिमों के साथ रहेंगे और मज़लूमों की हिमायत करेंगे तो हम कामयाब होंगे फिर उस आलमी इंसाफ पर मबनी हुकूमत में हमारा भी कुछ हिस्सा होगा जो सिर्फ़ और सिर्फ़ यूसुफ़ जहरा हज़रत इमाम महदी आलतम के हाथों वक़ायम होने जा रही है अल्लाह हम सबको उस अजीम मरतबे पर फाइज होने की तोफ़ी क़ता फ़रमाए हम अभी कुछ कॉल लेने के लिए तैयार हैं देखते हैं कि कौन हैं जो आ रहे हैं और सवाल आज के इस प्रोग्राम में करना चाहते हैं जी मैं गुजारिश करूंगा कि मुझे एक पेपर भी दे दिया जाए कागज़ ताकि मैं सवाल लिख सकूँ मैं पहले कॉल को शामिल करने जा रहा हूँ वालेकाम वही वरक़ा बिमिल शाह जी साईं साईं आपका प्रोग्राम और मौजू बहुत ही प्यारा है और बहुत ही जीरिक भी है जी जी तो मेरा सवाल आपसे यह है सरकार के हजरत सलाम को अल्लाह ताला ने कहा कि इस दरख्त के करीब ना जाना जालमू में से हो जाओगे जी जी। और ये एक दरख्त से मना किया गया जी दूसरी तरफ सूरा इनाम की सरकार आयत नंबर फिफ्टी टू है जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि ये जो लोग अल्लाह तला का जिक्र सुबह शाम करते हैं और उसे लाओ लगाए तकिया लगाए हुए हैं इनको इनका भार आप पर नहीं है ना आपका बार कुछ उन पर है मैं तर्जमा पेश कर रहा हूँ अपनी जबान में अगर इनको आप अपने से दूर हटाएंगे तो जालमीन में से हो जाएंगे जी जी बेशक तो ये सरकार क्या वो आयत जो है कि अल्लाह ताला जब इमामत अजरतब्राहिम इस्लाम को मिली तो और ये वादा जो था अल्लाह का कि जालमों के लिए येदा नहीं है तो क्या ये लोग जो थे ये मोस्टली जो है ये सलमान फारसी या मकदाद जैसे लोग थे जो करीब बैठे हुए थे सरकार के किसी ने नाक भून चढ़ाई होगी तो ये मेरे तो रोंगते खड़े होते हैं ये बात कहते हुए भी जी जी। लेकिन ये एक चीज ये है कि जिनको फिर रसूल अल्लाह ने अपने पास से दूर कर दिया जिन लोगों को उठा दिया

अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह अस्सलाम वालेकुम जी फरमाइए कौन बहन है कहाँ से हैं जी मैं डेनमार्क से मिसेज अदीला सैयद बात कर रही हूँ मिसेज अदील सैयद अदीला अदीला जी फरमाइए जी मौलाना साहब आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और मैं इस प्रोग्राम को सुनती हूँ तो मुझे एहसास होता है कि ये जो जुल्म जो हम मखलूक खुदा पे करते हैं तो इस हवाले से मेरे जहन में एक चीज बार बार रिपीट होती है कि पाकिस्तान में हम मक्खियां मच्छर चूहे वगैरह घरों में आते हैं तो उनको दवाइयां डाल के किसी तरह खत्म करते हैं हालांकि चूहे हमें कोई काटते नहीं है हमें सिर्फ डर होता है कि हमारी जिनसे जाया करते हैं या उससे बीमारियां फैलेंगी इस तरह से तो प्लीज इस चीज के बारे में बताइएगा हम भी हम भी ये सब कुछ कर चुके हैं तो किस तरह से इसका अजाला किया जाए ठीक है ठीक है हम आपको बताएंगे बहुत उम्दा सवाल आपने किया है और यकीनन ऐसे मसाइल जरूर डिस्कस किए जाएं। अगले कॉल को मैं शामिल करता हूँ असला मौलाना मैं मुद्दा बात कर रही हूँ जी फरमाइए पहला सवाल ये कि वालदे जो तरबियत के सिलसिले में बच्चों को मारते हैं मिसाल के तौर पर अगर थप्पड़ी लगाते हैं तो क्या वो जायज है मतलब वो जुल्म में तो नहीं आता और एम, क्या सिर्फ माँ को इजाजत है कि वो तरबियत के सिलसिले में बच्चे को मारे या वालिद को है या दोनों में से एक को है आ, मतलब किस हद तक इजाजत है और दूसरा सवाल ये कि उसद के लिए क्या हुक्म है क्या वो भी अपने शागि की तरबियत के पाकिस्तान और इंडिया के, के उसमे जो जो बच्चे, बच्चे अल्लाहि अल्ला सवाल आपने किया है वाक ये भी आज कल के जो हालात है उन हालात में बहुत अहम सवाल है अगले कौर को शामिल करते हैं चलिए आ जाएंगे तो हम लेंगे बहुत उम्दा सवाल अभी तक तो आ गए हैं काफ़ी हमारे मोहतरम बुज़ुर्ग सैद जा अली जान शाह साहब की खिदमत में मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि वो हमारी एक मनकबत टी वी पर आती है हिदायत टी वी पर एक मनकबत एक बच्चा पढ़ता है वो को ये ना समझे कि हमारी कम उसे मुराद हमने लिखी है वो बहरहाल किसी और लिखी लिखने वाले की लिखी हुई है वो जो शेख से दोस्ताना बुरी बात है उसमें आपके सवाल का जवाब भरपूर है कि जिसको बजम से अपने उठा दे नबी उसको दिल में बसाना बुरी बात है बहरहाल ये वो मसाइल हैं जिन मसाइल को जितना इंसान मारफ़त के साथ से परखने की कोशिश करेगा उतना ही वो समझने की समझेगा भी और उसके लिए वो बात आसान हो जाएगी समझना लेकिन अगर इंसान रसूल से ज़्यादा किसी और से प्यार करने लग जाए और उस प्यार में वो अंधा हो जाए तो फिर हम उसका इलाज कहीं नहीं पाते हैं अगले कॉल को भी शामिल करते हैं जी जी चलिए दूसरे हमारी जो कॉलर थी मिसेस अदीला सैयद बहुत उम्दा सवाल किया उन्होंने कि आमतौर से पाकिस्तान में या इंडिया में मक्खियों को मारा जाता है मच्छर वगैरह को मारा जाता है चूहे जो है उनके लिए जहर रखा जाता है तो क्या यह भी जुल्म के जुमरे में आता है क्योंकि ये भी मखलूक़ खुदा हैं जी हाँ मखलूक़ खुदा तो हैं लेकिन अल्लाह ने इसकी इजाज़त दी है कि जो मखलूक़ अल्लाह की वो आपको और इंसानियत को नुकसान पहुंचा रही हो आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा रही हो तो उन्हें ज़ुल्म के लिए ठीक है दफा दिफा करना भी आपका फ़र्ज़ बनता है सांप अगर आपकी तरफ़ आ रहा है सांप को आप मारेंगे वो भी मखलूक़ खुदा है बिच्छू आपको काटने के लिए आया है आप उसे मारेंगे वो भी मखलूक़ खुदा है कोई भी जानवर दरिंदा हो या ये मक्खियों जैसे हशरात हों मच्छर हों या चूहा जैसा मखलूक़ खुदा हो अगर मुजिर है तो मुजिर को दिफा के तौर पर अपने ज़िंदगी में नुकसान ना पहुँचे सेहत में ख़राबी ना पैदा करे उसको कत्ल करने की उसे मारने की इजाज़त है शरीयत में भी इजाज़त है ये कोई जुल्म में के दायरे में नहीं आता है हाँ अगर बेजर मखलूक़ खुदा को जहन में रखिए मखलूक उसकी जो अल्लाह ने बनाई है उसको हर हर एक का वजूद तो यकीनन फ़ायदेमंद है लेकिन ज़रअर पहुँचाने वाली कुछ ऐसी जानवरों में सिंफ हैं कुछ जिन्स हैं और इसी तरह मक्खियों में मच्छरों में कि जो नुकसान पहुँचाती हैं इंसान को इंसान के लिए इसकी इजाज़त है कि उन्हें मारे लेकिन जिन जानवरों से कोई भी इंसान की सेहत और इंसान के वजूद को नुकसान नहीं पहुँचता है वो बेजर हैं उन बेजर जानवरों को मारना चुनाच इमाम सज्जाद ने फरमाया जिसको मैंने गुज्त हफ्ते भी बताया कि अगर कोई अपने उस जानवर पर के जो आपको अपनी पीठ पर सवार करके ले जा रहा है गधा है घोड़ा है ऊंट है उस पर ज़बरदस्ती जो कोड़े मारे जाते हैं ये ख़ुद जुल्म है उस जानवर पर लेकिन अगर जरर वाले हैं जैसे मच्छर को मारा सांप को मारा बिच्छू को मारा या उन चूहों के लिए जहर रखा कि जो घर में अपने वजूद से नुकसान फैलाते हैं तो ऐसे काम ऐसी चीज़ों के जो मु और मूजी जानवरों के मारने में कोई भी खराबी नहीं है मुदसरा हमारी बहन ने बहुत उम्दा सवाल किया है और इस पर वाक़ गौर करने की बात है तरबियत का एक इस्लामी निज़ाम है और एक हमारे कल्चर में निज़ाम बनाया गया है इस पर तवज्जो करें मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा अगर आप तवज्जो से सुनेंगे इन तो बात शायद मैं पहुंचा सकूंगा कि हमारे माशरे में हम समझते हैं कि तरबियत का एक लाजमी हिस्सा मारना है हमारे यहाँ स्कूलों में हर उस्ताद के पास एक छड़ी होती है और हर बाप उसी वक्त तरबियत करने वाला कहलाता है जब उसके हाथ में डंडा होता है लकड़ी होती है या फिर वो थप्पड़ रसीद करता रहता है माँ भी वही बहुत ज़्यादा बच्चों का ख्याल रखने वाली होती है जो मार के डरा के धमका के अपने बच्चों को दबाते हैं माँ हो या बाप हो या उस्ताद हो सब के लिए मैं आपकी ख़िदमत में बताऊँ कि इस्लाम का निज़ाम निज़ाम तरबियत मुख्तलिफ है इससे मार पीट से किसी की भी तरबियत नहीं होती बल्कि उसमें ख़राबी पैदा होती है हमें नहीं अंदाज़ा होता हम समझते हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन वह हकीकत में उगदा है जो उसके अंदर पैदा कर रहे हैं एक और ख़तरनाक बीमारी है उसके अंदर हम पैदा कर रहे हैं एक संगदिली है जो आहिस्ता आहस्ता हम सख्ती और संगदिली उसके दिल के अंदर डाल रहे हैं मारने पीटने से अगर लोग तरबियत पाने वाले होते तो गधा सबसे ज़्यादा तरबियत याफ़्ता होना चाहिए उसको क्योंकि सबसे ज़्यादा मार उसे पड़ी है सबसे ज़्यादा उसको समझदार होना चाहिए ऐसा नहीं होता है बल्कि उन्हें सिर्फ कुछ जगहों पर थोड़ा सा आंखें दिखाना और उन्हें खौफ दिलाना खुदा का और अपनी हैबत और अपनी जलालत का उसके ऊपर ऐसा इजहार करना कि वो अपने किए पर पशेमान हो बस इस हद तक है मारने पीटने थप्पड़ लगाने से किसी की तरबियत होती ही नहीं है और लेकिन अगर अगर कोई पहले अच्छी नीयत से कर चुका है तो यकीनन वो अपनी औलाद से माफ़ी भी मांग ले या औलाद के साथ ऐसा जो किया उसकी अपनी अच्छी नीयत की वजह से उसे भी नहीं कहा जाएगा लेकिन जब एक दफ़ा पता चल जाए इसके बावजूद वो करे तो यकीनन ये जुल्म है और ये जुल्म अपनी औलाद के ऊपर भी जो होता है उसका भी हमें हिसाब देना होगा मेरे पास टाइम नहीं है वक्त के दामन में गुंजाइश भी नहीं है जो चाहते थे कि सवाल करें और नहीं कर सके हम उनसे माजरत चाहते हैं अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए अल्लाह हम सब को सही मारफत दीन की अता फरमाए और सही मानों में नफ्स को पाक रखने की तोफ़ा फ़रमाएँ वाखिर दावाना अनिलहमदल रबालमी